हेलो एवरीवन, मेरी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ जो इडली और डोसा मेकर रेडीमेड मिक्स आता है, उसी से मैं इडली बनाने वाली हूँ। और ये इडली खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और एकदम स्पॉन्जी और सॉफ्ट भी बनती है। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो का पैकेट लिया है। आप चाहे तो इसे डोसा, उत्तपम, इडली कुछ भी बना सकते हो और ये बनने में भी बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी से बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने बैटर को बाउल में निकाल लिया है, उसके अंदर बस आपको इनो, सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, नमक डाल देना है और नमक डाल के इसको मिक्स कर देना है अच्छे से इस तरीके से। अगर आपको इससे डोसा बनाना है तो इसके अंदर आपको 1 कप के जितना पानी डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इडली बना रही हूँ इसलिए मैंने उसको ऐसे ही गाढ़ा रखा है। इडली के बर्तन को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से। तो मेरे सारे ही इडली के बर्तन इस तरीके से ग्रीस हो गए हैं। अभी इसके अंदर में 1-1 चम्मच करके इडली का बैटर भर देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे 1 लाइक कर देना और पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, कुछ ना कुछ ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर मैंने सारे ही जो इडली का बर्तन है उसके अंदर में इस तरीके से फिल कर दिया है। अभी हमें इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करना है। तो यहाँ पे बर्तन के अंदर में 2 ग्लास के जितना पानी डालेंगे और उसके अंदर में सबसे छोटा वाला बर्तन पहले रखेंगे, फिर दूसरा बर्तन रखेंगे और जो बड़ा बर्तन था उसको सबसे ऊपर में रखेंगे। और इसको गैस के ऊपर रख के 10 से 15 मिनट के लिए हमें स्टीम करना है और ये बहुत ही एकदम झटपट से बन जाती है। तो मैंने इसको स्टीम करने के लिए अभी रख दिया है। तो अभी हम इसको खोल के देखते हैं। ये देखो, हमारी इडली बनके तैयार हो गई है। और फ्रेंड्स, जो इडली का बैटर रहता है वो आपको कोई भी जनरल स्टोर, किराना स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो आप इस तरीके का रेडी मिक्स रहता है उसको लाके आप इडली बना के खा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको इडली निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम स्पॉन्जी बनी है, फूली फूली बनी है और सॉफ्ट भी है। तो मैंने यहाँ पे सारी ही इडली को इस तरीके से निकाल लिया है। फ्रेंड्स, मैंने रेडीमेड पैकेट का इडली बना के आपको इसलिए दिखाया क्योंकि कई लोग रहते हैं, उनकी शिकायत रहती है कि हमारा बैटर अच्छा नहीं बनता है, हमारी इडली फूलती नहीं है, एकदम पत्थर के जैसी कड़क बनती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे बैटर अच्छा नहीं बनता है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मार्केट में बड़े आसानी से जो इडली डोसा बैटर रहता है वो मिल जाता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं रहता है। बस आपको 50 या 55 रुपए डालने हैं और आपकी इडली एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे देखिए, हमारी इडली एकदम बनी है अच्छी वाली और मैंने इसको आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, इसमें जाली भी है। और मैं इसको सांभर के साथ में सर्व करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसको चटनी के साथ भी खा सकते हो। और ये इडली को आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हो या शाम को सुबह इसको आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी इडली बनके रेडी हो गई है, ये देखिए, और एकदम वाइट बनी है और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत है और खाने में तो ये एकदम लाजवाब है। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे तरीके से ये वाली रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट करके बताना मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना न भूलें क्योंकि ऐसी टेस्टी रेसिपीज आपके फ्रेंड को भी खाने को मिल सकती है। तो ये देखिए, हमने इसको गर्मा गर्म सांभर के साथ में सर्व कर लिया है। फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी रेसिपी को 1 लाइक कर देना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खाओ पियो, इंजॉय।